दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, Redmi Note 8 Pro फोन लॉन्च होने वाला है और इसको लेकर बहुत सारा लीक्स निकल कर आए, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो फर्स्ट, जो हाईलाइट फीचर्स होने वाले इस फोन का, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, जो कि अभी तक कोई भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो Xiaomi Redmi Note 8 Pro फोन में देने वाला है। सो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कितना इस फोन की प्राइस हो सकती है, कब तक हो सकती है फोन लॉन्च इंडिया में, और क्या कुछ देखने को मिलती है इस फोन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन से शुरू करते हैं। बैक साइड में ग्लास का बैक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलेगा, जैसे कि Redmi Note 7 Pro में देखने को मिला था, बिल्कुल ऐसा होने वाला है डिजाइन। एंड टॉप साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और साथ साथ कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा। फ्रंट साइड में 6.4 इंच का सुपर एमुलेट फुल एचडी प्लस फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल, 19.5:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, जिसका मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलेगा 309 ppi। सो डिस्प्ले कलर सैचुरेशन बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा कंपेयर टू दिस प्राइस रेंज अदर्स कंपनी फोन। तो डिस्प्ले की टॉप साइड में पंच होल या फिर पॉप फ्रंट सेल्फी कैमरा हो सकता है, यहाँ पर पंच होल होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीवो ने और सैमसंग ने पंच होल कैमरा वाला फोन लॉन्च कर दिया है। तो Xiaomi भी इस बार Redmi Note 8 में पंच होल कैमरा दे सकता है। तो जो भी हो, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका एपरेचर है 1.9, जिससे आप 1080 पे फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। पैनोरामा, एचडीआर, ब्यूटी जैसे बहुत सारे मोड है कैमरा में। सो कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, फोन की बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मेन कैमरा होने वाले 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल कैमरा, और टेलीफोटो लेंस के लिए देखने को 8 मेगापिक्सल। सो इस फोन की रियर कैमरा से हर एक फोटो डिटेल में कैच कर पाएंगे, एंड साथ साथ इस फोन से आप स्लो मोशन में 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो ऐसा बहुत बार होते हैं जब फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर हाथ सेक होता है तो वीडियो में भी सेकनेस आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस फोन में, क्योंकि इस फोन की कैमरा में स्टेबिलिटी है। सो जो लोग ब्लॉगर है और फोन से वीडियो बनाते हैं, तो ये फोन उनके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। फोन दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाले हैं, 6GB 64GB और 8GB 128GB, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 512GB तक। सो आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, ये फोन जब लॉन्च होगा तो आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे, और इस फोन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, आप चाहते विजिट कर सकते हैं। तो इस फोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का नया वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी नया है और काफी पावरफुल भी है। तो फोन एंड्रॉइड ओएस 9.15 पे रन करता है। फोन में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि क्विक फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसको आप 30 मिनट में 70% चार्ज कर पाएंगे, जो कि फुल डे बैकअप दे सकता है। तो आप बात करें कितने इस फोन की प्राइस हो सकती है और कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। सो आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो ये फोन नेक्स्ट मंथ की एंड में लॉन्च हो सकती है, और इस फोन की प्राइस लगभग 19 से 22 हजार रुपए हो सकता है, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 64 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है। सो यू नो, ज्यादा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है बहुत दिन से बहुत लोग वेट कर रहे हैं इस फोन का, और जैसे ही फोन लॉन्च होगा उसके बाद ही ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, और अपने पास फोन। सो देखिए,